वेलकम टू आवर स्टोरी टाइम व्लॉग। इस व्लॉग की स्क्रिप्ट कई बार लिखी गई और कई बार ही फाड़ कर फेंक दी गई, क्योंकि कहने को अल्फाज तो काफ़ी हैं लेकिन सुनने के लिए किसी के पास एक लम्हा भी नहीं है। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। हम दोनों कई दिनों से सोच रहे थे कि इस पॉइंट पे वीडियो बनाई जाए या ना बनाई जाए, लेकिन फिर सोचा कि भाई बनानी चाहिए। तो ये हमारी अपनी राय, अपनी ऑब्जर्वेशन और अपने ख्याल हैं। मेन जो पॉइंट है वो ये है कि स्टूडेंट्स आर ऑन राइट और नॉट। तो भैया फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट प्रोटेस्ट। टोटल 20 दिन पढ़ाया और ये पेपर ले रहे हैं हमसे, ये गांगर ये कत्ल बड़ी की है और छोड़ेंगे ये हमारे डब में से पार के गलाओ कर रखदा गीत की पूरी ठोक ठोक रखदा हल्ला वेच श्रेणी और मर जाने अंत बाओ डाउन हुंदे रा साडा मुंड तो ही रोकी तेरे जाबे यार जो एक बस है बस बस दो मिनट। जी तो भैया बात सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस लगाने की या सॉन्ग लगा के शो ऑफ करने की नहीं है। प्रोटेस्ट स्टूडेंट का हक है, करें, लेकिन प्रोटेस्ट में वायलेशन या अब्यूसमेंट करना ये गलत है मेरे नज़दीक, सिंपल। तो जी भैया दूसरा पॉइंट है डोंट ब्लेम अनदर। जैसा कि गवर्नमेंट स्टूडेंट्स पर ब्लेम कर रही है कि उन्होंने वक्त ज़ाया किया है, और स्टूडेंट्स गवर्नमेंट पर ब्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने एग्ज़ाम का ब्लैंडर डाल दिया। तो तीसरी चीज़ है मार्क जोन। हमने स्टूडेंट के गिर्द एक मार्क्स जोन बना दिया है और स्टूडेंट उसी दायरे के अंदर रह के सिर्फ मार्क्स को लेने के लिए ही पढ़ते हैं। टारगेट बना लेते हैं कि ये नंबर लेने हैं, नंबर लेने हैं, नंबर लेने, चाहे वो नंबर फिर रट्टे लगा के लिए या समझ के। तो जी भैया चौथा पॉइंट है ऑनलाइन क्लासेस। तो ऑनलाइन क्लासेस है ये। तो जी भैया ये हैं ऑनलाइन क्लासेस, और इन ऑनलाइन क्लासेस में कहीं पे लेक्चर्स को म्यूट किया जा रहा है, कहीं पे आतिफ भाई के सॉन्ग सुने जा रहे हैं, और कहीं पे पबजी खेली जा रही है। तो मज़ीद ऑनलाइन क्लासेस की वजाहत की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप खुद ही फ़नी ऑनलाइन क्लासेस लिख के आप खुद ही देख सकते हैं। जी तो भैया एग्जाम्स कंडक्टेड और नॉट कंडक्टेड, तो इसमें आपके भाई की ये राय है कि एग्जाम्स कंडक्टेड होने चाहिए। जिस तरह आप गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई एग्जाम्स ले लो तो एग्ज़ाम्स ले लो, ये कोई तरीका नहीं। सीधी बात है, इतनी टाइम लिमिट दी जाए कि बच्चों की तैयारी हो सके। भैया ये नहीं कि आप आओ दस्ती ऑर्डर चलाओ कि भाई पेपर दो, तो कौन पेपर देगा भाई, क्या तैयारी होगी, आप यूँ तो फ्यूचर पर बात कर रहे हो। तो इस व्लॉग का छठा और सबसे इमोशनल पॉइंट है सुसाइड। तो यार मैंने पिछले 3 दिनों में न्यूज़ पढ़ी, और कराची के एक लड़के ने एग्ज़ाम्स के प्रेशर की वजह से सुसाइड कर लिया। तो भैया ये इसका कोई सलूशन नहीं है। आप मार्क्स कम आते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंसल्ट होगी आपकी, लेकिन आप ये सोचो जब आप सुसाइड करोगे तो आपके वालदैन का क्या होगा। जी तो भैया इस व्लॉग का आखिरी पार्ट है ये, लिव इन योर स्टाइल। यारा अपने अंदाज से जियो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, क्योंकि आप वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपका शौक है। शौक शौक की बात है भाई। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका फ़र्ज है ना, आप वो अच्छे तरीके से अदा कर लो, बस सिंपल। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और बेल आइकन के बटन का इस्तेमाल कीजिए। शुक्रिया।